भाई साहब वो लाइक मैं अपने आप को रिग्रेट करता हूँ कि ये सॉन्ग मेरे को पहले क्यों नहीं पता चला। सो हे गाइस, मुझे नहीं पता कि ये वाला सॉन्ग इतना अंडररेटेड क्यों है, मतलब इस पे इतने कम व्यूज क्यों है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सिर्फ एक रील देखकर यूट्यूब पर आने पर मजबूर हो गया हूँ और इस सॉन्ग पर आज मेरा रिएक्शन देना बनता ही है। लाइक इस वाले सॉन्ग पर 3.8 मिलियन व्यूज है, सिर्फ 3.8 मिलियन व्यूज, और इसके एडिटेड वर्जन पर 26 मिलियन व्यूज है। तो मतलब आप सोच सकते हो कि ये वाला सॉन्ग कितना मस्त है। लाइक ये परदेश का डेंडा है, मतलब जो लोग घर से दूर रहते हैं वही लोग इसको फील कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और गाइज मैं एंड में अपनी पर्सनल चीज़ें भी कुछ बताने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। स्टार्ट। परदेश का डेंडा, अदनान धूल। ओह नाइस ट्रांजिशन, सीट बेल्ट से एरोप्लेन की सीट बेल्ट तक। बूम, डिटेल्स डिटेल्स देख रहे हो आप कि आप अपने देश छोड़कर दूसरे देश में गए हो, वहां पर हॉस्टल में कैसी जिंदगी गुजारनी पड़ती है, इस सॉन्ग में इन्होंने बता दी। सोना ते मैथू दूर गया है, होके सजन मजबूर गया है, अखियां दे वास्ते खुशियां हो, होके हिजर विच चूर गया। नाइस। सोना पया परदेस कटेना, सजना नू दूरों दूरों वेंदा, साड़ी ते सारी सुनदा है पर अपनी पीड़ नहीं वेंदा। क्या बात है यार, मतलब ये जो लाइन उन्होंने बोली है इट्स ऑसम, लाइक कंप्लीटली एकदम गूजबम्प है कि वो अपनी दुख दर्द किसी को कुछ नहीं बता रहा है, वो बराबर घर पर काजल भेज रहा है, सब कुछ बराबर चल रहा है। भाई साहब दूसरे शहर में है, उसको कुछ पता नहीं चल रहा है कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है। लेकिन मैं बताता हूँ ये आप बीती है हमारी भी, लाइक हम जब घर छोड़कर इस सिटी में जब काम करने के लिए आए थे तो ये हुआ था। पहले रिएक्शन देते हैं, बाद में बहुत सारी बातें करनी है हमको। सोना ते सूट बदेदा है पर अपनी पीड़ ना वेंदा है। भाई साहब वो मतलब दीवार पर उसने मंथ्स के नाम लिख के रखे है, मेरे को लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं। उसने दीवार पर नाम लिख के रखे है महीनों के, और वो वहां पर उनको कट कर रहा है, एक एक महीना दिन दिन के गुजार रहा है वो। सोना भजेंदा सानू कमाया, सोना मनावे ईदा पराया, आजा सोनिया गलिया। अदनान धूल साहब क्या करके मानोगे यार, मेरे को लिटरली गुजबम्स आ रहे, मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ गाइज, बिकॉज एक एक वर्ड्स लाइक ऐसा है ना कि आप बस रिलेट कर सकते हो, अगर आप घर से दूर रहते हो ना तो आप इससे रिलेट कर ही सकते हो। मतलब आप दूसरे सिटी में, दूसरे शहर में, दूसरे कंट्री में आप जाते हो वहाँ पर जॉब करने के लिए, वहाँ से आपकी जो सैलरी आती है आप वो पैसे कमाते हो, घर पर बेचते हो, और आप मतलब ईद ईद आप मतलब ईद कैसे इतना बड़ा फेस्टिवल है आप उसको घर से दूर रहकर मना रहे हो। सुनजिया सानू कबूल वे तेरी लड़ाइया, सोने वतनानू मुड़ के आवन दो। आपको बोर लग रहा होगा, आई तो आई नो कि आई डोंट नो मैं आपको क्या बोलूं, मतलब उन्होंने क्या बोला कि आपके बिना मेरी गलियां सुनी सुनी है। ये लाइक एक एक औरत है, एक वाइफ है जो अपने हस्बैंड से बोल रही है कि आपके बिना मेरा गलियां अधूरी है, तुम घर पर आ जाओ, मेरे को तुम्हारी लड़ाइयां भी कबूल है। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि भाई तुम सिर्फ घर पर रहो, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, लड़ाइयां भी चलेंगी लेकिन यहां पर करो, तुम उतने दूर से तुम्हारे पैसे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक कागज की मानिंद है, ये वो बताना चाह रहे। Wow.
वापस आ जाओ बोल रहे हो। रोज तक तेरी साड़ी सुन जा अपनी सुनावन। रोज राह तकती हूँ तुम्हारी और आज तुम दिख गए हो, तुम्हारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। ट्वेल्व मिलियन मतलब भाई साहब क्या सॉन्ग लिखा है अदनान धूल साहब ने, मेरे लिटरली गूज़बम्स आ गए। और एक दो जगह पर मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी किया कि मतलब नहीं कर सकते यार, एक्चुअली इतना ज़्यादा एक्सप्रेस कैसे करेगा कोई, मतलब बहुत ज़्यादा गूज़बम्स आ रहे थे मेरे को। तो एक एक और सॉन्ग है, इंडियन सॉन्ग है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। एक लाइक एक वक्त था कि जब मैं अपना लाइक अभी मैं तो कंट्री छोड़ कर नहीं गया हूँ, इसी देश में हूँ और सिर्फ एक स्टेट चेंज हुआ है। तो मेरे घर वाले लाइक रोते थे वो लिटरली, चिट्ठी आई है ये वाला सॉन्ग जब घर में लगाकर वो मेरी याद करते थे और मैं भी लाइक यहाँ पर जब उसको सुनता था। तो मतलब एक ये ना कि एक घर आपका घर होता है, फिर आप चाहे कहीं पर जाकर कितना भी पैसा कमा लो आपको घर मिलने नहीं वाला है। तो वो सीन था यहाँ पर, क्या क्या ही बोला जाए। मतलब मैं यही बोलूँगा कि ये जो सॉन्ग है जो घर से दूर रहते हैं या फिर सिर्फ घर से दूर नहीं जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं, और लाइक कोई बाप अपने बेटे से, कोई बेटा अपने बाप से, कोई माँ से, कोई बहन से, कोई लाइक जो भी रिलेशंस है लाइक यहाँ पर नहीं है। तो एक आदमी जब बैठता है, सोचता है और अपने दिल से जब सिर्फ एक आहे निकलती है तो वो सिर्फ यही बोलते हैं कि भाई सिर्फ आप मुड़कर वापस आ जाओ यार, अब नहीं लगता मन। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने अच्छा सॉन्ग लिखा है। मैं सिर्फ एक रील देख रहा था, ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, मेरे सामने आ गया, वो हिट कर गया मेरे को कि यार क्या है ये। मैं इसको सॉन्ग को सुना लाइक मैं अपने आप को रिग्रेट करता हूँ कि ये सॉन्ग मेरे को पहले क्यों नहीं पता चला, ये वाला लाइक बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है इसमें। और आई नो ये मेरे लूप वाले वीडियो में ये होने वाला है, कंटिन्यू सुनने वाले इसमें। तो चलिए फिर इनका शायद दूसरा सॉन्ग भी आया है, मार उड़ारी 2.0, उस पर हम रिएक्शन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वो देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट कीजिए आपको क्या फील होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।